एलियंस को लेकर लंबे समय से इंसानों के बीच डिस्कशंस होते रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम इस यूनिवर्स की इकलौती सिविलाइजेशन हैं, या फिर इस यूनिवर्स में हमसे अलग भी कुछ सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं। मैक्सिकन कांग्रेस यानी मेक्सिको के पार्लियामेंट में हाल ही में एक खुलासा किया गया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पेरू में लगभग 1000 साल पुरानी ममी मिली जिसे मैक्सिको कांग्रेस में प्रेजेंट किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब एलियंस के अवशेष को किसी कंट्री के पार्लियामेंट में शो किया गया। इस ममी की 3 उंगलियों और इसके स्कल की बनावट को देखते हुए ये माना जा रहा है कि ये ममी किसी एलियन की है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एलियन से जुड़ी कंप्लीट हिस्ट्री, एलियंस को लेकर अब तक हुए साइंटिफिक डेवलपमेंट्स और एक्सप्लेनेशंस के बारे में डिटेल में बताएंगे। पृथ्वी इंसानों का घर है, जाहिर तौर पर एलियंस अगर हैं तो उनका भी कोई घर तो होगा ही, पर उनकी धरती कौन सी है, वे कौन से ग्रह के बाशिंदे हैं? दोस्तों, सूरज, चांद, तारों को तो हम रोज ही देखते हैं। इनके बारे में स्कूलों में या न्यूज में कुछ ना कुछ लगातार देखते रहते हैं, और इन सब के बीच इशू ये रेज होता है कि क्या पूरे यूनिवर्स में इंसान अकेला है, या फिर गैलेक्सी में एलियंस का भी राज कहीं पर है। अगर हम ये मान लें कि एलियंस हैं, तो आखिर उनमें से किसी से हमारा वास्ता आज तक क्यों नहीं पड़ा? जो भी हो, पर पीके या कोई मिल गया जैसी बहुत सारी फिल्मों का बनना इस बात का सबूत है कि इंसानों की दिलचस्पी एलियंस में कुछ ज्यादा ही है। कोई एलियंस के पावर से फैसिनेटेड है, तो कोई इनके वजूद की कहानियां मन में बुनता रहता है। इससे जुड़ी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज आपको सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन आइए इससे जुड़ी बातों को गौर से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले भूगोल के नजरिए से इस यूनिवर्स को समझते हैं। जैसे नंबर्स इन्फिनाइट होते हैं, माना जाता है कि यूनिवर्स भी इन्फिनाइट है। समस्या ये है कि इन्फिनाइट को डिफाइन करना लगभग असंभव काम है, इसलिए जब वैज्ञानिक यूनिवर्स की बात करते हैं तो वो असल में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के रेफरेंस में बात करते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सिंपल मीनिंग है यूनिवर्स का उतना हिस्सा जहां तक हमारी रीच है। इसका टोटल डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, यानी लाइट को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए 93 बिलियन ईयर्स लगेंगे। अगर हम पृथ्वी को सेंटर मान लें तो हम हर दिशा में 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक देख सकते हैं। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये यूनिवर्स की बाउंड्री है। अक्सर हम यूनिवर्स को एक ऐसी संरचना की तरह इमेजिन करते हैं जिसकी एक फाइनाइट बाउंड्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट की तरह है जिसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। हम ब्रह्मांड को जितना जानते हैं वो इसका एक मामूली हिस्सा भर है। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या है ये तो खुदा ही जाने, क्योंकि वहां से लाइट भी हम तक ट्रेवल नहीं कर पाती। पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानना किसी अंधेरे कमरे में काली बिल्ली ढूंढने जैसा है, यानी हो सकता है कि उसके बियॉन्ड जो भी हो उसके बारे में हमें कभी भी पता न चले। लेकिन जितना यूनिवर्स हम देख सकते हैं उसमें भी एलियंस के होने की पॉसिबिलिटी से इनकार कर पाना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि इसमें कुछ 100 बिलियन गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं, और हर गैलेक्सी में 100 से 1000 बिलियन स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि इनमें से 1% स्टार्स में भी प्लैनेट हों, उनमें से 1% प्लैनेट्स पर भी लाइफ हो, और उनमें से 1% लाइफ में भी हमारे जैसे बुद्धिमान इंसान शामिल हों, तो अभी तक स्पेस में वॉर्स हो रहे होते हैं। अपने अपने स्पेस स्टेशंस और स्पेस शटल के लिए जगह पाने के लिए अलग अलग ग्रह आपस में लड़ रहे होते हैं। इसी मामले में ड्रेक इक्वेशन के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। ड्रेक इक्वेशन सिंपल लैंग्वेज में ऐसी गुणा गणित है जिससे हमें ये बात पता चलती है कि किस गति से स्टार्स फॉर्म होते हैं, उनमें से कितने परसेंट स्टार्स में प्लैनेट होते हैं, उनमें से भी कितने ऐसे हैं जिन पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, या कितने ऐसे हैं जो हमारी तरह टेक्नोलॉजी के विकास के जरिए स्पेस में यात्रा कर सकते हैं। ऐसी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज में दिमाग खपाकर ड्रेक इक्वेशन से साइंटिस्टों ने ये नतीजा निकाला कि भाई गैलेक्सी में कम से कम 10,000 सिविलाइजेशन होनी चाहिए। ये बात अगर सच है तो मैं तो बेताब हूँ उस दिन के लिए जब इंसान को एरोप्लेन की जगह स्पेस शटल की टिकट कटवानी पड़ेगी और हम छुट्टियाँ मनाने पेरिस की जगह किसी स्टार पर जाएंगे। अगर हम मिल्की वे यानी सिर्फ अपनी गैलेक्सी की बात करें तो ये लगभग 13 बिलियन ईयर्स पुरानी है और पृथ्वी 4 बिलियन ईयर्स पुरानी है। जाहिर तौर पर इतना लंबा समय किसी भी बाहरी दुनिया से संपर्क बनाने के लिए काफी है, लेकिन एलियंस के होने का कोई पुख्ता सबूत अब तक सामने क्यों नहीं आया?
टाइम और स्पेस के होने के बावजूद एलियंस का कोई अता पता नहीं है। इसी को हम फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। एक नोबेल प्राइज विनर भौतिक शास्त्री जिनका नाम एनरिको फर्मी था, उन्होंने एक दिन लंच पर जाते वक्त जाने अनजाने में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल किया कि वेयर आर द एलियंस, और उनके सारे इंटेलिजेंट कोवर्कर्स के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। स्पेस के बारे में सालों से रिसर्च करने, स्पेस में सैकड़ों सैटेलाइट्स को भेजकर एलियंस के किसी सिग्नल का इंतजार करने के बावजूद भी हमें आज तक कोई भी मैसेज रिसीव नहीं हुआ। इसीलिए फर्मी इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि एलियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बल्कि हम इस पूरे यूनिवर्स के अकेले सिविलाइजेशन हैं। यही है फर्मी पैराडॉक्स, जिसे हमारी पूरी स्पेस यात्रा के कंक्लूजन की तरह देखा जा सकता है। लेकिन अभी भी इसको लेकर वैज्ञानिकों की खोज जारी है, और कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने इस फर्मी पैराडॉक्स का तोड़ निकालने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं एक कंसेप्ट की जो कि एलियंस के लेवल से जुड़ी हुई है। लाइफ एक काफी वर्सेटाइल टर्म है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लाइफ है, आम के पेड़ में भी लाइफ है, कुत्ते बिल्लियों में भी जान होती है, और हम ह्यूमंस भी तो लाइफ ही है ना। फर्क बस ये है कि पेड़ पौधे चलते फिरते या बोलते नहीं हैं, कुत्ते बिल्लियां चलते फिरते भी हैं और थोड़ा बहुत कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, लेकिन इंसानों जैसे नहीं। धरती पर इंसान सभी जीवों से इंटेलिजेंट माना जाता है। दोस्तों, इंसानों ने अपनी इसी इंटेलिजेंस की वजह से इतनी तरक्की हासिल की। हमारे पंख भले ना हो, लेकिन हम हेलीकॉप्टर में बैठकर मधुमक्खियों की तरह उड़ सकते हैं, हवाई जहाज की मदद से पक्षियों से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, बीमार पड़ने पर हम अलग अलग औषधियों से ठीक हो सकते हैं, रहने के लिए घर बना सकते हैं, खाने को आग की मदद से पकाकर खा सकते हैं, यहाँ तक कि आपस में मिलकर साझा सरकार बना सकते हैं और पूरा सिस्टम रन कर सकते हैं। यानी हम अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। यही है हमारी विकास की यात्रा। ये बात तो हमें माननी ही होगी कि इंसानों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और अपनी फिजिकल लिमिट्स को एग्जीट किया है। एलियंस को समझने के लिए इस विकास क्रम को समझना जरूरी है। जब हम एलियंस की तलाश कर रहे हैं, तब हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि उनकी विकास यात्रा आखिर कैसी होगी। क्या वो हमसे ज्यादा पावरफुल होंगे? क्या उन्होंने भी हमारी तरह टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट किया होगा? इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन रशिया में 1964 में एक कार्दाशेव स्केल को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि एक सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वो कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तीन टाइप्स के सिविलाइजेशंस बताए गए हैं। टाइप वन सिविलाइजेशन वो है जो अपने प्लैनेट के सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करता है। टाइप टू सिविलाइजेशन उससे भी थोड़ी एडवांस है, जो अपने आसपास के स्टार्स की भी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है। और टाइप थ्री सिविलाइजेशन, जो कि सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन है, वो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम तक ही नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी के एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इस स्केल पर हम इंसान कहाँ पर आते हैं। तो आप मान लीजिए कि हम टाइप वन सिविलाइजेशन के थोड़े पीछे हैं, क्योंकि अभी तक हम अपने ही प्लैनेट के सारे रिसोर्सेज को ठीक ढंग से यूटिलाइज नहीं कर सके हैं। इसे सोलर एनर्जी के एग्जांपल से समझते हैं। केवल सोलर एनर्जी की बात करें तो अगर हम एक दिन की पृथ्वी पर आने वाली सोलर एनर्जी को स्टोर कर पाएं, तो हम पूरी दुनिया में एक साल तक इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी से डबल एक दिन में ही जनरेट कर लेंगे। पर मौजूदा समय में हम पूरे इलेक्ट्रिसिटी का केवल 3-4% हिस्सा ही सोलर एनर्जी की मदद से बनाते हैं। तो क्या हम बेवजह ही अब तक कोयले, नेचुरल गैस और ऑयल की मदद से बिजली बना रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी को स्टोर करने के लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। इंसान धीरे धीरे ही सही, लेकिन उस दिशा में बढ़ रहा है। इंसान ने तरक्की जरूर की है, लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें टाइप वन सिविलाइजेशन बनने के लिए काफी समय लगेगा। अब एक इंपॉर्टेंट इशू पर आते हैं। आप तो जानते ही हैं कि छोटे से छोटे सवाल पर भी साइंटिस्ट कम्युनिटी बरसों तक काम करती है। 1950 में फर्मी ने जो सवाल वैज्ञानिकों के बीच रखा, उस पर कई सालों तक वैज्ञानिकों ने रिसर्च की। 1974 में इसी के सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। इसमें फर्मी पैराडॉक्स के एक्सप्लेनेशंस पर भी चर्चा की गई। आइए हम उन्हीं में से कुछ पर नजर डालते हैं। सवाल अभी भी वही है कि एलियंस और हमारा आज तक कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे उन्होंने तीन पॉसिबल तर्क रखे। पहला तर्क ये था कि लाइफ बहुत ही रेयर चीज है,
इस दुनिया में इंसानों से भी कई मिलियन ईयर्स पुराने जीव हैं, पर इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज का जैसा ताबड़तोड़ डेवलपमेंट इंसानों ने किया वैसा कोई दूसरा प्राणी नहीं कर पाया। क्योंकि एक तो लाइफ बड़ी रेयर, उसमें भी इंटेलिजेंट लाइफ अचीव करना तो और भी मुश्किल काम है। अर्थ पर इतनी सारी स्पीसीज होने के बावजूद भी ऐसी कोई स्पीसीज नहीं है जो एक कॉमन लैंग्वेज के थ्रू हमसे कम्युनिकेट कर सके। यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हों लेकिन किसी दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों, कोई दूसरी भाषा बोलते हों। ऐसे में अगर कोई मल्टी सेलुलर लाइफ हमें मिल भी जाए तो ये पेड़ पौधे या जानवर तो हो सकते हैं, लेकिन ये सिविलाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि एलियंस हद से ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं। वो हमारे बारे में जानते तो हैं लेकिन हमसे किसी भी तरह का संपर्क करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब एक सिंपल एग्जांपल से इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी देश को अपने किसी जंगल वाले इलाके में तेल का कुआं मिल जाता है, लेकिन उसी समय उन्हें पता चलता है कि उस जगह पर एक ट्राइबल कम्युनिटी कई सौ सालों से रह रही थी जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता था। अब देश के विकास के लिए उस रिसोर्स को सरकार अगर लेती है तो पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि उन ट्राइबल्स के हैबिटेट पर इसका बुरा प्रभाव पड़े। उनके हमारे कॉन्टेक्ट में आने से हमारी ऐसी बीमारियां भी उनमें फैल सकती हैं जिसको झेलने की इम्यूनिटी उनमें ना हो। ऐसे में उनके पूरे रेस के खत्म होने का खतरा है। दूसरे तरीके से देखें तो जंगल को काटने या वहां के रिसोर्सेज को निकालने के प्रोसेस में वहां के दूसरे जीव जंतुओं या फ्लोरा एंड फौना को भी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी हम उस जगह से रिसोर्स को अपने डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी मानकर निकालते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर जंगल से पेड़ काटने में भी नहीं कतराते हैं, क्योंकि हम असल में जंगल को एक रिसोर्स की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि वहाँ रह रहे हजारों जीवों के जीने का एकमात्र साधन जंगल ही था। और वो हमारे डेवलपमेंट के लॉजिक को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो हम उनका घर उनसे छीन रहे हैं। मेडिकल साइंस में रिसर्च के लिए चूहों पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स को ही देखिए। क्या हमें अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाने का अधिकार है? लेकिन ये सब करते हुए हम उन्हें अपना लॉजिक समझाने तो नहीं जाते हैं। तो ठीक इसी तरह ऐसा हो सकता है कि एलियंस के लिए हम लोग बहुत तुच्छ प्राणी हों, उनके लिए उनका विकास ज्यादा जरूरी हो, इसलिए वो हमें अपना लॉजिक समझाना जरूरी ही ना समझते हैं। एलियंस इतने एडवांस्ड भी हो सकते हैं कि इंसानों द्वारा उन्हें डिटेक्ट ही ना किया जा सकता हो, लेकिन फिर भी वो अर्थ को एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करते हों। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि जैसे पृथ्वी पर रहने वाले 8 अरब लोगों का इंटरेस्ट केवल एक ही चीज में नहीं है, या किसी इंसान का हर चीज में इंटरेस्ट होना भी पॉसिबल नहीं है। जैसे इंसानों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, सिविलाइजेशन के भी अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि एलियंस किसी दूसरी सिविलाइजेशन को तलाशने में दिलचस्पी ही ना रखते हों, उनके लिए कुछ और चीजें प्रायोरिटी में हों, या फिर उनके ग्रह पर फिजिक्स के नियमों के तहत अपनी दुनिया से बाहर जाना ही पॉसिबल ना हो। ऐसे बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। अब ऐसा सोचकर देखिए कि एक सिविलाइजेशन है जिन्होंने डेवलपमेंट करने की होड़ में कुछ ऐसे कदम उठाए, या फिर किसी नेचुरल कॉज की वजह से उनकी पूरी दुनिया ही तबाह या वाइप आउट हो गई, तब क्या होगा? इस वीडियो में हमने एलियंस को लेकर साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया और दोनों नजरियों से सोचने की कोशिश की कि एलियंस एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम कुछ और वीडियोस के जरिए इसके दूसरे पहलुओं को भी आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश फ्यूचर में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मनपसंद टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड बाय।